नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। इसका नाम है स्टडी फास्ट 24/7। तो दोस्तों, आज यानी कि 10 मार्च 2019 को जो हाईकोर्ट ग्रुप डी का पेपर हुआ है स्टेज 2 का, उसके आंसर के लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपको मालूम होगा योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो दोस्तों, इस पेपर में आप उम्मीद करता हूँ आपने 100 में 100 सही किए होंगे, 100 में 100 नहीं तो 98 जरूर आपने सही किए होंगे। खैर, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखिए आप मिलाइए आप। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रयोग होता है तो इसमें डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ था? तो आपको मालूम ही है, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद हुआ था, यानी कि अगस्त 2018 में। अगला है, साइना नेहवाल कौन से खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो रांची है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। LIC का L का क्या निरूपित करता है? तो L लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है, तो L का मतलब लाइफ हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा खेल इंडोर खेल है? तो बैडमिंटन जो है वो इंडोर खेल है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है इसी दिन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। कौन सा संबंधित नहीं है इसमें? दूध दही मक्खन संबंधित है एक दूसरे से, जैम अलग है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर नरेंद्र मोदी होगा। नरेंद्र मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं देश के जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। मुगल सराय जंक्शन का नया नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। MC मैरी कॉम में मैरी कॉम की भूमिका किसने निभाई थी? तो प्रियंका चोपड़ा ने निभाई थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2018 में किस भारतीय नेता को स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में श्रद्धांजलि दी गई है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, तो भगवान कृष्ण के रूप में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य से घिरा हुआ है? तो उत्तराखंड से घिरा हुआ है, बाकी तीनों राज्य अलग हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सैमसंग क्या निर्माता, किसकी निर्माता कंपनी? तो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संगीत वाद्य यंत्र की पहचान ये तबला है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिकेट विश्व कप कब कितने सालों में होता है? तो 4 सालों में होता है। मान ज्ञात कीजिए, -3 का क्यूब, तो -27, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरलीकृत कीजिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 126 00। पंचभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तो 5 भुजाएं होंगी। उस समय का निर्धारण कीजिए जब दूरी 1560 किलोमीटर है और गति 780 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटे, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 किलोग्राम चीनी की कीमत 240 से 3 किलोग्राम चीनी की कीमत क्या होगी? तो 60 रुपये होगी। एक बॉक्स में 50 आम हैं, इसका आंसर जो होगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 बी। यदि जूस के 6 कैनों की कीमत 210 है, तो जूस के 4 कैनों की कीमत क्या होगी? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 140। इसमें 33 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2017। निम्नलिखित में से पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले हो, 94 के पहले 93, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। z+y=20, तो y=5, तो z का मान क्या होगा? 15 हो जाएगा, बी ऑप्शन। दिन का कितना भाग 8 घंटे होता है? 1/3 होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 मीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 50×50 यानी कि 2500 मीटर स्क्वायर, सरलीकृत कीजिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 और 18, इसका LCM क्या होगा? तो 180 हो जाएगा। x के 6×8 घटाया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वॉशिंग मशीन की लागत 15,000, बेचा गया 17,000 में, तो लाभ जो होगा 2,000 रुपये का होगा। 5 संख्याओं का औसत, इसका आंसर जो होगा 2 होगा, सी ऑप्शन। छायांकित भाग का दिखाने वाली भिन्न 3/8 हो जाएगी। 10 मीटर = 1000 सेंटीमीटर। श्रृंखला पूरी करनी है, इसका 32 आंसर होगा।
गुणनफल ज्ञात करना है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 6/35। दशमलव में परिवर्तित करना है, इसका 7.25 हो जाएगा। वर्ग की परिधि हो बराबर 4 × 1 हो जाएगी लंबाई। महत्तम और लघुत्तम इसमें ज्ञात करने हैं, तो जब सबसे बड़ी संख्या है वो है 12002 और सबसे छोटी जो है 124 है। 123 × 869 इसका गुणनफल ज्ञात करना है, 10/68/87 इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें स्पेस में फुल भरना है, इसको क्या नाम है तो तुम्हारा क्या नाम है इसका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंदिया का बहुवचन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा बिंदिया। मेरी बहन की नाक चपटी, इसमें विशेषण जो है चपटी हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन। अर्थपूर्ण व बी ऑप्शन, खरगोश तेज दौड़ता है। सीता नाच रही, इसमें नाच रही है ये क्रिया हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यंजन पहचानना है, का व्यंजन है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध रूप चुनना है, प्रथा सही हो जाएगा। चोटी का शीश हो जाएगा, उदय का अस्त विलोम हो जाएगा। वर्तनी के आधार पर शुद्ध रूप जो है, तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाए, जयपुर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, वर्तमान काल है। पूर्ण विराम पहचाना है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। स्वार्थ का परमार्थ होगा, सी ऑप्शन। अरुण का सूर्य हो जाएगा, सी ऑप्शन। विद्यालय यानी कि विद्याधन आलय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, शुद्ध वाक्य जो है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बी ऑप्शन। व्यंजन जो है चा झा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राम का विद्यालय कल बंद रहेगा, भविष्य काल हो जाएगा, सी ऑप्शन। वह एक अच्छा आदमी है, अच्छा जो है इसमें विशेषण है। प्रश्नवाचक वाक्य, राम ने रावण को क्यों मारा, अंगूठा छाप यानी कि अनपढ़। बच्चे खेल रहे हैं, इसमें संज्ञा जो है बच्चे हो जाएगा। 56 जो हिंदी में लिखा जाता है, तो जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। विच ऑफ द गिवन सेंटेंस यूजेज कॉमा करेक्टली, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वाओ, आई कांट बिलीव हाउ डिलीशियस दीज ग्रेप्स आर। 77 इसमें फ्रॉम आ जाएगा, डी ऑप्शन। आई कम फ्रॉम ए स्मॉल फैमिली। आइडेंटिफाई द एडवर्ब पहचान है, तो इसमें एडवर्ब जो होगा ऑलवेज होगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट इज सच ए वंडरफुल स्मेल, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये, इसमें जो है 80 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लू लंच नॉइज टुलिप। कंप्लीट द एनोलॉजी इसमें गुड का बैड हो जाएगा, हैप्पी का सैड हो जाएगा, डॉग का बीच हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, तो अलाउड हो जाएगा बी ऑप्शन। एम एस धोनी प्रॉपर नाउन। 85 नंबर इसमें जो भरा जाएगा, डी ऑप्शन भरा जाएगा। सीमा इज ए स्मॉल गर्ल, सी गोज टू ए स्कूल नियर द हर हाउस। इसमें जो होगा 86 में, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वी शुड सेव अवर एनवायरनमेंट। 87 इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देयर इसका जो है एडजेक्टिव पहचाना, एडजेक्टिव जो होगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिटिल। इसमें क्या है, प्रिया लव्स पंचतंत्रा क्या होती, कहानियाँ होती हैं, तो टेल्स हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रूअल यानी निर्दयी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनह्यूमन। समटाइम्स ही मेक्स सिली मिस्टेक्स, इसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट निकलना था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, इसका प्लूरल फॉर्म निकलना था, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, इसमें जो आंसर सही होगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। 93 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेड। 94 में हीरो का अपोजिट विलन हो जाता है। 95 में जो आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द कैट्स फर वाज एज डार्क एज द नाइट। 96 इसमें पास्ट टेंस हो जाएगा, द रेनबो अमेज्ड हर, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द गर्ल सेड हेलो टू मी, सी इज वेरी फ्रेंडली। 98 इसमें नो प्लस थिंग यानी नथिंग, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द आर्टिकल इसमें द है। कंप्लीट द सेंटेंस जो कंप्लीट करना है इसमें और हो जाएगा। सोनम विल वॉश द कार ऑन सैटरडे आफ्टरनून और संडे मॉर्निंग, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये आंसर की वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।